नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरये। युधिष्ठिर जी महाराज का संदेश लेकर आए वे संजय, धृतराष्ट्र के मन में ऐसा भय पैदा कर दिए, अभी तो सुनाई नहीं है। केवल इतना ही कहा है कि उनका संदेश सुनने में बहुत समय लगेगा, मैं अभी सोने जा रहा हूं, थक गया हूं। उनका संदेश बड़ा विलक्षण था। धृतराष्ट्र मन ही मन में अपने गलतियों को याद करता है, दुखी होता है कि युधिष्ठिर युद्ध करेगा। अशांत हो गया, विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कई बातें सुनी। विदुर जी सुनाते जा रहे हैं, प्रश्न होता है कि इतना ज्ञान देने पर भी धृतराष्ट्र संभला क्यों नहीं? तो कोई ज्ञान की बात बोल दे और कोई सुन ले, इतने मात्र से बात बनती नहीं है। अंदर से उसको पकड़े, स्वीकार करे, तब वो ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। काल सुकान खावे हमारा, इतो सुनायो फिर काई हो, इतो सुनायो काई हो, फिर यो धृतराष्ट्र क्यों नहीं माने हो? अरे धृतराष्ट्र सोचता है कि मुझे ग्यारह बातें सुनाते रहे ठीक रहे, अरे तू धारण ही नहीं करे देना काई हो। बार बार बिचारे हर अध्याय के अंत में कहते हैं, धृतराष्ट्र तुम्हारे क्या जच रहा है, बोलो तुम क्या चाहते हो? तो वो एक एक बात बोलता है कि मेरे हृदय में अशांति है, तुम और ये बातें सुनाओ। तो सुनाते सुनाते आगे विदुर जी ने, हाँ विदुर जी बोलते हैं, महाराज धृतराष्ट्र पांडव तो सभी गुणों से उत्तम है और आप में पिता का सा भाव रखकर उत्तम बर्ताव करते हैं, आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। मेरे कहने का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? धृतराष्ट्र कहने लगे, विदुर मैं अंदर से बहुत दुखी हो रहा हूं, तुम्हारे वचन मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं तो अब तुमसे केवल सुनना ही चाहता हूं। तुम मुझसे कुछ मत पूछो, मैं पूछूं बस वही तुम बताओ सुनाओ। विदुर जी कहते हैं, हे महाराज, इस विषय में दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है, उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी परमहंस रूप में विचर रहे थे। उसी समय में साध्य देवताओं ने उनसे पूछा, महर्षि हम सब लोग साध्य देवता हैं, आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते, हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त धीर और बुद्धिमान जान पड़ते हैं, अतः हम लोगों को विद्वत्वापूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। परमहंस दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके द्वारा मनुष्य को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर
प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान समझे, दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली न दे, क्षमा करने वाले का रोका क्रोध भी क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है, उसका आप कोई प्रतिकार मत करो, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। कोई आपको कड़वा बोले, गाली निकाले, उसका कोई प्रतिकार मत करो, सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। और आप उसका पुण्य ले लोगे। दूसरे को न तो गाली दे न उसका अपमान करें। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करें। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करो। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को जला डालती है। इसलिए धर्म में प्रेम रखने वाले पुरुष जलाने वाली रूखी बात सदा के लिए छोड़ देते हैं। जिसकी वाणी रूखी है, स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता है और वाग्वाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, ऐसा समझना चाहिए कि वो मनुष्यों में महान दरिद्री है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। उसकी दरिद्रता कहां है? वाणी में। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे वाग्बाणों से बहुत चोट पहुंचा है, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि यह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। कोई हमको यदि कुछ कहे कड़वा वचन और हम कुछ नहीं बोले, तो वो हमारे पुण्य पुष्ट रहेंगे। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरे से भी नहीं कहलवाता, मार खाकर भी बदले में न तो स्वयं मारता है न दूसरों से मरवाता है, अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोते रहते हैं कि ये कब स्वर्ग में आए और हम कब इसका स्वागत करें। बोलने से न बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा सत्य बोलना दुगना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन उसको प्रेम से बोलो। और वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो ये वाणी की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे ही लोगों की सेवा करता है, और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उन उनसे मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव न हो। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता है, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ बैर करता है, न दूसरों को चोट पहुंचाता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है वह हर शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो कभी किसी को झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया, उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की।
तो भी वह कृतघ्न क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता है। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है। अवश्य ही वो अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है वह उत्तम पुरुषों की सेवा करे, समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की जो सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कभी न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर लो, परंतु उसमें उत्तम कुलीन पुरुषों के समान सम्मान और सदाचार कभी नहीं मिल सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूं कि उत्तम कुल क्या है। विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये सात गुण वर्तमान में हैं, वही उत्तम कुल माना गया है। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग करते हैं, अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेदों का त्याग करने से, धर्म का उल्लंघन करने से ऊंचे कुल वाले भी नीचे माने जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। हे धृतराष्ट्र, ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर में रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे अच्छे कुल भी निंदनीय हो गए हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर के भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में कभी नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन ही है, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई बैर करने वाला न हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो, इसी प्रकार माता पिता, देवता और अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला न हो, हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे तथा पितरों को पिंडदान और तर्पण न करे, वो हमारी सभा में न आए। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती। राजन, पुण्यकर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहां तृण आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। छोटा सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, दूसरे वैसे नहीं होते। जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वो कोई मित्र होता है? मित्र तो वही है
जिस पर पिता के भांति विश्वास किया जा सके। दूसरे तो संगी मात्र हैं, पहले से कोई संबंध न होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे वो बंधु है, वही मित्र है, वही सहारा है, वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करते, इसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है और जो अज्ञानी है और इंद्रियों का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव बद्दलों के समान चंचल है, वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं, अकारण प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृतकारी होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस भोजित जंतु भी नहीं खाते। जो कृतघ्नी होते हैं, धन हो या ना हो, मित्र का तो सत्कार करें। मित्र से कुछ भी न मांगते हुए उनके सार असार की परीक्षा न करें। संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभीष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट ही होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मन में शोक न करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता है और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरों से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। ये तो संसार में उथल पुथल चलती रहती है। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इसमें हर्ष और शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। छह इंद्रियां बहुत चंचल हैं। इनमें से जो इंद्रिय जिस विषय की ओर बढ़ती है, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चुआ चुआ जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, काष्ठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है। देखो काई वह, ये तो हृदय तो बदले वीरो। काष्ठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वह युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। विदुर जी, यह सब कुछ सदा से ही भय से उद्विग्न है। मेरा यह मन भी भय से बड़ा उद्विग्न हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। विदुर, मुझे जैसे शांति मिले इसका कोई उपाय बताओ। इतने तो इन असर पड़े हो कि मैं पाप करे। विदुर जी बोले, हे पाप शून्य नरेश, आपके मन में इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, इसलिए आप पाप शून्य हो। विद्या तप इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता हूं। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं देते, किंतु निष्काम रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह से की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। महाराज,
आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौने से युक्त पलंग पाकर के भी सुख की नींद नहीं सो सकते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर के भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं वे कभी धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता और शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्री में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव है। सबसे बड़ा भय अपने जाति वालों से ही है। नित्य सींचकर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती हैं। यही सत्पुरुषों के विषय में समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाती हैं। भरत श्रेष्ठ जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र, तुमने सदा अपने पुत्रों में फूट डलाई, तुमको कैसे शांति मिलेगी? जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वाले लोगों और गौओं पर ही शूरता प्रकट करते हैं वे डंठल से पके हुए फलों के भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी हो जाता है। पर जहां बहुत से वृक्ष एक साथ समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपने ताकत के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु, परंतु परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे की सहारा सहायता मिलने से जाति के लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमल, कमल यूं गूंथे रहते हैं सब, यूं कमल नाल है ना, एक एक से यूं गूंथी रहती है, इसलिए लोग कमल तो निकाल देते हैं पर वो गूंथी हुई रहने से फिर कमल पैदा हो जाते हैं। कोलायत में यही तो समस्या है। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्रियां, अन्नदाता और शरणागत, ये अवध्य है, इनको कभी मारना नहीं चाहिए। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्यता को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से बंधा हुआ, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए। क्रोध कैसा है कि जो बिना रोग के तो पैदा होता है, कड़वा है, सिर में दर्द पैदा करने वाला है, पाप से जुड़ा हुआ है, कठोर है, तीखा है, गर्म है, सज्जनों के द्वारा पीने योग्य है, दुर्जन द्वारा पीने योग्य नहीं है, ऐसा जो क्रोध है उसको आप पी जाइए और शांत हो जाइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते हैं, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता है। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे न तो धन संबंधी भोगों का और न सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे द्यूत सभा में कहा था, आप द्यूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए
विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने उस समय मेरा कहना नहीं माना। वह कोई बल है जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो, कोमल स्वभाव के साथ विरोध दिखाए, वो कोई ताकत थोड़ी ही होती है। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुलतापूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझें। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी हो जाएं, समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। ऐसी शिक्षा महाराज आप अपने पुत्रों को दीजिए। अजमीर कुल नंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं, कुरुवंश आपके अधीन है, तात कुंती के पुत्र भी बालक हैं, वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं, इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। जिस प्रकार मां किसी बच्चे को थप्पड़ लगाने के बाद मां उसका प्यार करती है, बच्चे के साथ रोती भी है, बच्चे को सांत्वना देती है, इसी प्रकार पांडवों को आप सांत्वना दीजिए। हे कुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का मौका ही न मिले। आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये विदुर पांडवों का पक्ष क्यों ले रहा है। मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि पांडव सत्य पर डटे हुए हैं, सत्य के ऊपर रहने पर इन्होंने इतने कष्ट सहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोके और पांडवों को आप गले लगाइए। विदुर जी कह रहे हैं, हे राजेंद्र, हे विचित्र वीर्य नंदन, स्वयंभू मनु ने कहा है कि नीचे लिखे 17 प्रकार के मनुष्यों को पाप हाथ में लिए यमराज पाश हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। 17 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता हो, न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्र धनुष को झुकाना चाहता हो, पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता हो, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता हो, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता हो, शत्रु की सेवा करता हो, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी आजीविका चलाता हो, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता हो, जो सब जगह आत्म प्रशंसा करता हो, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता हो, दुर्बल होकर भी बलवान से बैर बांधता हो, श्रद्धाहीन को उपदेश देता हो, न चाहने योग्य वस्तु को चाहता हो, ससुर होकर पुत्रवधू के साथ परिहास पसंद करता है, हंसी दिल्लगी करना, वहां चुप रहना चाहिए, पुत्रवधू है, तथा पुत्रवधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे छिपाना और दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी डींग हांकता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है,
ऐसे 17 आदमियों के पास यमराज जी के दूत पास लिए रहते हैं। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, ये नीति है। छठे साठ्यम समाचरित, कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु व्यवहार से पेश आना चाहिए। आप कहोगे कि ऐसा क्यों कहा, पहले तो क्या है कि बुरा बर्ताव करे तो भी अच्छा करो, यहां कहते हैं कि यदि कपट करता है तो कपट करो, ये क्यों कहा, दोखली बात क्यों कही। ये नीति की बात बोल रहे हैं अभी विदुर जी, नीति। नीति से धर्म ऊंचा होता है, साधन भजन उससे भी ऊंचा होता है, इसलिए नीति की बात कही है, ये धर्म की बात नहीं है। राजाओं के यहां नीति बहुत चलती है। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सब कुछ का नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वो किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता, बीच में क्यों मर जाता है। विदुर जी बोले, राजन आपका कल्याण हो, अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपने ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती रहती हैं। यही मनुष्य का वध करती है, मृत्यु थोड़ा ही मारता है। मृत्यु तो गर्भ में आए हुए प्राणी के शरीर के साथ चिपकी रहती है, कब मारा, मारने पर जो दुख होता है, मरने पर जो दुख होता है वो दुख नहीं होता है, वो दुख होता है अभिमान का, त्याग का, त्याग के अभाव का, क्रोध का, ये इन बातों का। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले की स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु स्त्री गामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, शराब पीता है, तथा जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला होता है, दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला होता है, ब्राह्मणों को सेवा के काम के लिए इधर उधर भेजने वाला होता है और शरणागत की हिंसा करने वाला होता है, ये सब ब्रह्म हत्यारे के समान है, इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए, ये वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीति दाता, यज्ञ शेष भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल जाएंगे, परंतु जो अप्रिय होता हुआ भी हितकारी वचन कहने वाले और सुनने वाले दोनों बड़े दुर्लभ हैं। मीठी बातें तो बहुत बोलते हैं, परंतु अप्रिय बात है लेकिन हितकारी, ऐसे बोलने वाले बहुत कम होते हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा की सच्ची सहायता होती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का त्याग कर दो, गांव की रक्षा के लिए कुल का त्याग कर दो, देश की रक्षा के लिए गांव का त्याग कर दो और आत्मा के कल्याण के सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें, स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा अपनी रक्षा करें। और पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्यों में बैर डालने का कारण देखा गया है, अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी में भी जुआ न खेले। राजन, मैंने जुआ का खेल आरंभ होते समय आपसे कहा था कि ये ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य नहीं अच्छे लगते
उसी तरह मेरी बात भी आपको अच्छी नहीं लगी, उसका फल अब सामने पड़ा है। हे महाराज, इसको कौन रोक सकता है? भीम की गदाओं को कौन सहेगा? अर्जुन के बाण किसकी छाती में नहीं बिंधेंगे? पांडवों का बल सहन करने में आपकी सेना में मुझे कोई नहीं दिखता है। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वाह, क्या आपकी बुद्धिमानी है! सिंहों को छोड़कर सियार की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। हितात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय में भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन्न हो जाने से, भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का त्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य, आय व्यय, उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों के द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला है, स्वामी भक्त है, सज्जन है, राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा रखनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इनकार करता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही निकाल देना चाहिए। ऐसा नौकर घर में मन नहीं रखो। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, नीरोग और उदार वचन वाला, इन आठ गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बना करके भेजना चाहिए। सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी सायंकाल में कभी शत्रु के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो, और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता है उसे प्राप्त करने का यत्न ही न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह कर रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन मत करो। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा कभी मत कहो। उस समय चुपचाप उसकी हां में हां मिलाओ, क्योंकि सारे मंत्रियों के बीच में सभा हो रही है, और अपनी युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से जैसे तैसे हट करके रवाना हो जाओ। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, कर्मचारी, राज कर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चे वाली विधवा, सैनिक, और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो वह पुरुष, इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये आठ पुरुष की शोभा बढ़ाने वाले हैं: बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात, एक ऐसा गुण है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह गुण माने राज सम्मान उपर्युक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। पहले भी आ गई थी बात। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता,
और सुंदर स्त्रियां ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए स्नान से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं, सुन लो, थोड़ा भोजन रोज के थोड़ा और लो और लो। भोजन कैसा करना चाहिए, थोड़ा भोजन करना चाहिए, थोड़ी भूख रख करके। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं, आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है, तथा यह बहुत खाने वाला है, बहुत खाने वाला है ऐसा कह करके लोग उसके ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाला, सब लोगों से बैर करने वाला, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। खूब गोंदे वाला, अधिक मायावी हो, सब लोगों से बैर करता हो, घर में नहीं रहने दे। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, बैर बांधने वाले और कृतज्ञ से कभी सहायता की याचना मत करना। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाला, अस्थिर भक्ति वाला, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की कभी सेवा मत करो। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है, सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं, एक दूसरे के आश्रित है, परस्पर में सहयोग के बिना सिद्धि नहीं होती। पुत्र हो जाने पर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए, पुत्रों पर कोई ऋण नहीं छोड़ना चाहिए। कन्या हो जाने पर उसके योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात बाद में वह मुनि वृत्ति से जंगल में रह सकता है, उससे पहले नहीं। किसी पर ऋण चढ़ा हुआ हो तो साधु बढ़ना नहीं चाहिए, अठे को नहीं कहेंगे। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर है और अपने लिए भी सुखद है, उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करे। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। ऐसा काम करो जो सबका हितप्रद हो, और कहते हे भगवान, ये आपके ही अर्पण है। अच्छे काम को भगवान के अर्पण करो, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी आजीविका के नाश का भय हो ही नहीं सकता। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए महाराज, उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसके सिवा पुत्रों के साथ बैर और नित्य उद्विग्न पूर्ण जीवन कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद देने वाली चीज होगी। आकाश में तिरछे उदित हुए धूमकेतु से जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव होता है, उसी प्रकार भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र, 1 कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर के समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले सिंह के समान हैं। आप सिंहों सहित समस्त वन को नष्ट मत कीजिए और वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं होती, व्याघ्र माने सिंह, क्योंकि व्याघ्र ही वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की रक्षा करते हैं। जिसका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं करते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए।
जैसे स्वर्ग से अमृत दूर होता है उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उन सबको उसने जान लिया है। जो समयानुसार धर्म अर्थ काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष से उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को नहीं खो बैठता वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल है वह कनिष्ठ बल है, सबसे नीचा बल है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल मानते हैं। और जो बाप दादों से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल है वह अभिजात नाम का चौथा बल है। हे भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह होता है वह बलों का श्रेष्ठ बुद्धि बल कहलाता है, जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है। उस पुरुष के साथ बैर ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत नहीं हो जाइए कि मैं उससे दूर हूं, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा मत सोचना। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो राजा, स्त्री, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्य पर पूर्ण विश्वास कर सकता है? अपनी आयु पर कभी विश्वास मत करो, भोगों पर विश्वास मत करो, सामर्थ्यशाली व्यक्ति पर भी विश्वास मत करो, राजा पर विश्वास मत करो, सांप पर मत करो, स्त्री पर मत करो। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है उस जीव के लिए न कोई वैद्य है, न दवा है, न होम है, न मंत्र है, न कोई मांगलिक कार्य है, न अथर्व वेदोक्त प्रयोग है, न भलीभांति सिद्धि बूटी है। बुद्धि के बाण से मारा गया, उसका कोई इलाज नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग भी उसे प्रज्वलित न कर दें तब तक उस काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मत कर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेज से उस काठ को तथा दूसरे जंगल को सभी को नष्ट कर डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त है। विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित है। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान साल वृक्ष के समान हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती है महाराज। इसलिए हे अंबिका नंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। सिंह से सोना हो जाने पर वन नष्ट होता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में सुनिए। विदुर जी फिर कहते हैं, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में खड़ा होता है और प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई श्रेष्ठ पुरुष अतिथि के रूप में घर आवे तो पहले आसन देकर जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल क्षेम पूछकर अपनी स्थिति बताए, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन कराए। वेद वेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गवों को नहीं स्वीकार करता, उन श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद्य
चीरफाड़ करने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है, तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं होती हैं। जो क्रोध न करने वाला, ढेला, पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक होता है। जो नीवार माने जंगली चावल, कंदमूल इंगुद माने लिसोड़ा और साग खाकर निर्वाह करता है, परंतु मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथियों की सेवा में सदा सावधान रहता है, वह तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर चिंतन निश्चिंत न रहे कि मैं तो दूर हूं। बुद्धिमान की बाहें बड़ी लंबी होती है, सताया जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका विश्वास करे ही नहीं, उसको दूर रखे, किंतु जो विश्वास का पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वासी पुरुष से उत्पन्न हुआ भय मूलोच्छेदन कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वो ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्याय पूर्वक अपने परिवार में विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी न रहने वाला हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, उनका कभी निरादर मत करो, वे अत्यंत सौभाग्यशालिनी है, पूजा के योग्य है, पवित्र है और घर की शोभा है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दें, रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दें, गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करें और कृषि का कार्य स्वयं करें, सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करें और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करें। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा होता है, इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। जल से अग्नि पैदा होती है। जल से अग्नि कैसे होती है भाई? अग्नि से तो जल सुना है। ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ, इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत सदा काष्ठ में अग्नि के भांति शांत भाव में स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग और अंतरंग सभासद तक नहीं जानते, सब और दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का भोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बताए, करके ही दिखाए, ज्यादा लोगों के बीच में डींग न मारे कि देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो